अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्ट्स ब्यूटी। इसमें पता नहीं फर्स्ट वीडियो स्किप हो गई है जिसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताया थोड़ा का, तो डायरेक्ट मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। ये मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी 4 से 5 चम्मच, एक कंटेनर लिया है मैंने, उसके अंदर 4 से 5 जो है वो स्पून मैंने डाली है मुल्तानी मिट्टी। नेक्स्ट के जो है वो मैं इसके अंदर, ये है मुल्तानी मिट्टी, ये है शहद, ये लेमन जूस, एलोवेरा जेल और 2 कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई, 2 विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, ठीक है। 4 to 5 जो है वो स्पून मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, उसमें तकरीबन 2 स्पून जो है मैं ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ मड मास्क बनाने के लिए। नेक्स्ट, शहद जो है वो मुझे थोड़ा इरिटेट करता है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, तो इस वजह से मैं हाफ़ स्पून जो है वो हाफ स्पून कर रही हूँ इसमें ऐड शहद। हनी, ये जो है मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये मुझे बड़ा तंग कर रहा था वीडियो शूट करते टाइम। विटामिन ई के कैप्सूल्स इसने खा भी लिया बनाते बनाते वीडियो मेरी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, ठीक है जी, तकरीबन 2 स्पून मैं भी इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अच्छा, इस टाइम जो है वो इसमें मुझे रोज़ वाटर भी ऐड करना है, सो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, सो ये आ गए 2 जो है वो कैप्सूल्स विटामिन ई के। ये मड मास्क आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा, आप एक ही बार लगाएंगे और फिर खुद ही फील करेंगे, ठीक है। इसका जो है वो इसके बेनिफिट्स और उसके इंस्टेंट ग्लो जो ये देता है, इवन जो है स्किन को इवन करता है, ये मैं आपको क्लोज में भी दिखा देती हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, लेकिन चूँकि इसके अंदर अभी रोज़ वाटर जो है वो नहीं है, इस वजह से ये अच्छे से जो है वो मिक्स नहीं हो पा रहा। इस टाइम मेरे पास नहीं था, मैंने मंगवाया हुआ था लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं था, सो मैं इन्हीं की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँ। ये मैंने एक क्रीम का लिया था, ये देखें जी हो गई यहाँ पर गड़बड़ थोड़ी सी, सो जो है ये मैं कर रही हूँ मिक्स। इसको थोड़ा और थिन करने के लिए मैं इसमें एलोवेरा जेल करूँगी, एलोवेरा जेल मिक्स करूँगी। एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ये जो है वो स्किन को मॉइस्चर अप्लाई करता है। आप इसको सिर्फ एज अ प्राइमर और सिर्फ एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। सो मैं इन सबको कर रही हूँ अच्छे से मिक्स मिक्स एंड मिक्स। सो ये मेरे पास आ गया है गुलाब, अर्के गुलाब, सो इसको मैं फटाफट खोलूँगी और मिलाते जाऊँगी, डालते जाऊँगी और मिक्स करते जाऊँगी जब तक एक थिन पेस्ट नहीं बन जाता, जब तक मैं इसको करती जाऊँगी मिक्स। ये मैं डालती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी जो है ये थोड़ा सख्त भी करती है, तो लिहाजा अगर आपको फ़ौरन अप्लाई करना हो तब तो आप थोड़ा थिक बना लें पेस्ट को, वो इफ़ेक्टिव रहता है। जितना थिक होगा उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो झड़ना ही शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ टाइम के बाद इसको बना के रखना है और फिर इस्तेमाल करना है, तो आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा थिन ही बनाएं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है उसको सक कर लेती है इस वजह से। सो ये मैं करती जा रही हूँ इसको मिक्स, और जब ये जैसी ही जो है वो हो जाएगा रेडी, आप इसको अपने फेस पे रेडी टू अप्लाई होगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।